नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बस के बारे में। तो दोस्तों, बस जो ये वो वाली बस नहीं होती कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते हैं इस बस में बैठ के। ये एक्चुअल में जब भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कंप्यूटर के अंदर सिग्नल ट्रांसफर होता है, तो जिस वायर्स के थ्रू वो ट्रांसफर होता है उन वायर्स को बस बोला जाता है। अब ये बस डिपेंड करती है कि अगर ये एड्रेस लेके जाती है तो अलग टाइप की बस हो जाएगी, अगर ये डेटा लेके जाती है तो अलग टाइप की बस हो जाएगी, और अगर ये कंट्रोल करने का काम कर रही है तो अलग टाइप की बस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं बस के बारे में। तो बस मैं जैसा आपको बता चुका हूँ कि बस का काम ही जो सिग्नल है उसको कैरी करना है फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट टू अनदर कॉम्पोनेंट। सो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज द ट्रांसमिशन पाथ, दिस इज द ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन पाथ। और ये इसको हम एक, जैसे कि मैं आपको वायर्स के बारे में बता रहा था, इसको लिख सकते हैं हम सेट ऑफ वायर्स भी, सेट ऑफ वायर्स। इट इज अ ट्रांसमिशन पाथ ओवर विच द डेटा और इंफॉर्मेशन ओवर विच द इंफॉर्मेशन इज। देखिए दोस्तों, अब हमने यहां तक पढ़ा कि एक ट्रांसमिशन पाथ है जो क्या करता है, डेटा और इंफॉर्मेशन को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। तो दोस्तों, बस जो है, बस का काम सिर्फ जो सिग्नल है उसको ट्रांसफर करना है वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। तो दोस्तों, अब जो बस होती है, ये बस आगे तीन टाइप की होती है। अगर इसके टाइप्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली होती है एड्रेस बस, सेकेंड नंबर की होती है डेटा बस, एंड थर्ड इज कंट्रोल बस। तो चलिए दोस्तों, इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं हम, एड्रेस बस को, फिर डेटा बस को, एंड देन कंट्रोल बस को। तो अगर आप, आई होप कि आपने बस नोट कर लिया है, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, देन हम लोग इनके टाइप्स के ऊपर चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये सेट ऑफ वायर ही होती है दोस्तों, अलग से कुछ नहीं होता है। तो इनके ऊपर हम देखते हैं कि किस किस टाइप की हो सकती है। सबसे पहले अगर बात करें एड्रेस बस की, तो दोस्तों, जैसा इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है एड्रेस बस, तो जो वायर्स काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ऑफ द लोकेशन, किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को ट्रांसफर करने का जो बस काम करती है उसको बोलते हैं एड्रेस बस। सो दीज बस कैरीज एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, इट कैरी द एड्रेस ऑफ द लोकेशन। कोई भी लोकेशन है उसका एड्रेस जो कैरी करती है उसको बोलते हैं एड्रेस बस। अब हम आते हैं सेकेंड पे, दैट इज डेटा बस। तो दोस्तों, जो बस डेटा को कैरी करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं डेटा बस। तो ये कैरी करेगी, इट कैरीज द डेटा, तो ये डेटा को कैरी करने का काम करती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा बस। और थर्ड पे आते हैं दोस्तों, कंट्रोल बस।
तो दोस्तों कंट्रोल बस का काम क्या होता है? कंट्रोल बस का काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करना। इट कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स। अब कंट्रोल सिग्नल का मतलब हो गया दोस्तों कि डेटा कहां से कहां पे जाना है, उसका कंट्रोल किसके पास होगा? कंट्रोल बस के ऊपर। डेटा कहां होगा? डेटा बस के ऊपर। और एड्रेस कहां होगा? एड्रेस बस के ऊपर। सपोज आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें इस पॉइंट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कुछ भेजना है, तो सबसे पहले हमें उसके एड्रेस का पता होना चाहिए जो एड्रेस बस के ऊपर होगा। जब हम उसके एड्रेस का पता लग जाएगा तब हम डाटा ट्रांसफर करेंगे, और ये डाटा ए से बी पे जा रहा है, इसको कंट्रोल कौन करेगी? कंट्रोल बस। तो ये कंट्रोल बस होगी, इसको कंट्रोल करेगी, और डाटा बस पे डाटा कैरी होगा और एड्रेस बस पे एड्रेस होगा। तो इस तरह से ये काम है दोस्तों इन बसेस का। अब हम लोग कुछ अदर चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको इनका इंटरकनेक्शन का डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू और बता देता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो डायग्राम है वो काफ़ी इजी बनाया है मैंने, हम पहले भी उसको पढ़ चुके हूँ। तो सीपीयू को दोस्तों हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और यहाँ पर रजिस्टर्स थे ऐसे। तो ये सीपीयू एएलयू के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोल यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रजिस्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपका बेस अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसके साथ साथ हमने मेमोरी भी ऐड कर ली थी, तो यहां पर मेन मेमोरी, तो यहाँ पे मेन मेमोरीज हम ले लेते हैं। अब ये जो कनेक्ट होंगी वो एक कॉमन बस के ऊपर कनेक्ट होगी या एक वायर के ऊपर कनेक्ट होगी, इसे ही दोस्तों बोलते हैं हम बस। तो इसको हम बस नाम दे देंगे, ये हमारी कॉमन बस हो गई जो कनेक्ट करती है इनको। अब देखिए ये बस कनेक्ट है सीपीयू के साथ में, यही बस कनेक्ट है मेन मेमोरी के साथ में, और यही बस कनेक्ट रहेगी हमारी इनपुट और आउटपुट यूनिट्स के साथ में। तो यहां पे हमारी कनेक्ट होगी दोस्तों इनपुट यूनिट, और यहां पर कनेक्ट होगी आउटपुट यूनिट। तो इस तरह से, और इसको बोलते हैं दोस्तों कॉमन बस आर्किटेक्चर। इसको बोलते हैं दोस्तों कॉमन बस आर्किटेक्चर। कॉमन बस आर्किटेक्चर। तो दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम था, इसके थ्रू आप बस के फंक्शन, ये भी बस है, ये भी बस है, ये सारी बस ही है जो कनेक्ट करती है अलग अलग यूनिट्स को एक दूसरे के साथ, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों बस। अगर आपने नोट कर लिया है तो प्लीज, आप नोट नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो आप, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों बूटिंग के बारे में। आपने सुना होगा कि आपके मोबाइल में भी ऑप्शन मिलता है मोबाइल बूट का, और ऐसे ही पीसी में भी, हमारे कंप्यूटर में भी ऑप्शन होता है बूटिंग का, लेकिन मोस्टली आप लोगों में से नहीं जानते बूट के बारे में क्या होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा बूट के बारे में कि एक्चुअल में बूट क्या होता है। दोस्तों जब भी आप अपने पीसी को या लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो जब से वो ऑन होने से लेके पावर आपने उसको दी है, वहां से लेके जब आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर का आइकन दिखाई देता है, तब तक के बीच की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बूटिंग। तो एक्चुअल में बूटिंग की प्रोसेस में होता क्या है कि कंप्यूटर जो है, रोम होती है हमारे, जैसे रैम होती है उस तरह से, रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, रोम इज अ परमानेंट मेमोरी। तो जो रोम होती है इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके अंदर जो भी फाइल्स है उसको रीड किया जा सकता है, आप राइट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें रोम की, तो रोम से हमारा सिस्टम कुछ फाइल उठाता है,
जिसको बेसिक इनपुट आउटपुट या कंप्यूटर ऑन होने के लिए जितनी मिनिमम फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उठाता है, कॉपी करता है उसको और एग्जीक्यूट करता है मेन मेमोरी में। अब तब उस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि रोम से फाइल उठान के सिस्टम को ऑन करने की प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग। तो ये होता है दोस्तों बूटिंग। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, वहां से आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बूटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जब ऑन होता है तो रोम के अंदर से फाइल कॉपी करी जाती है और उसके बाद हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। सो द प्रोसेस या व्हेन, या सीधा इसको लिख सकते हैं हम, प्रोसेस ऑफ कॉपी द फाइल फ्रॉम रोम टू द मेमोरी व्हेन द सिस्टम इज ऑन, दैट प्रोसेस is called booting। तो सिस्टम के ऑन होने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही बोला जाता है दोस्तों बूटिंग। अब ये दो टाइप की होती है दोस्तों, टाइप्स ऑफ अगर बूटिंग की बात करें तो सबसे पहले होती है कोल्ड बूटिंग। एंड सेकेंड इज वार्म बूटिंग। दो तरह की बूटिंग होती है दोस्तों, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। अब अगर बात करें कोल्ड बूटिंग की, तो दोस्तों जब आप इनिशियली आपका सिस्टम बंद है और आप उसे ऑन करते हैं स्विच प्रेस करने के बाद, या आप लैपटॉप का बटन ऑन करते हैं बिल्कुल वेरी इनिशियल स्टेज से, उस प्रोसेस को बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। और अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, आपका सिस्टम चल रहा है चाहे वो पीसी है चाहे वो आपका लैपटॉप है, और जब आप उसको रीस्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है वार्म बूटिंग। सो इसको हम लिख सकते हैं, पहले कोल्ड बूटिंग को समझ लेते हैं। व्हेन द सिस्टम starts from its initial stage, that is called cold booting। यानी कि जब सिस्टम को बिल्कुल वेरी बिगनिंग से स्टार्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग। और अब आते हैं दोस्तों वार्म बूटिंग पर। सेकंड जो थी हमारी वार्म बूटिंग, सो जब सिस्टम को रीस्टार्ट किया जाता है, सो व्हेन सिस्टम इज रीस्टार्ट और रीसेट, रीस्टार्ट ऑप्शन होता है, रीस्टार्ट बटन इज प्रेस्ड, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। तो इस तरह की दोस्तों ये दो तरह की बूटिंग होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं इनको। बूटिंग सिस्टम
जब ऑन होता है तो उसके ऑन होने की प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग। और ये दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होगी जब आप सिस्टम को इनिशियल स्टेज से, यानी कि जब वेरी फर्स्ट बिगनिंग से ऑन करेंगे, दैट इज कोल्ड बूटिंग। अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं, दैट इज वार्म बूटिंग। तो दोस्तों ये दो तरह की बूटिंग थी। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब दोस्तों ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी दो तीन तरह की हो सकती है, तो मेजर मेजर जो है हम लोग वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों वो दो तरह की होती है हमारी। सबसे पहले आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, देन आता है एनालॉग कंप्यूटर। पहले एनालॉग को पढ़ लेते हैं दोस्तों। एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। पहले हम पढ़ते हैं एनालॉग को। दोस्तों एनालॉग के बारे में आपने पढ़ा होगा, एनालॉग सिग्नल अगर आपने देखा हो, सुना हो, तो ऐसा होता है। इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल होता है, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज करती रहती है। और इस ग्राफ को बोलते हैं साइन ग्राफ, साइन ग्राफ। तो जिसके अंदर जो कंप्यूटर एनालॉग होता है वो कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल के ऊपर बेस होता है, या हम बोल सकते हैं जिस कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में होती है उस कंप्यूटर को बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब इसकी डेफिनेशन और लिख लेते हैं हम। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन कॉन्टिन्यूअस एनालॉग फॉर्म दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। ये कंटिन्यूअस वेरी सिग्नल के लिए यूज होता है दोस्तों। अगर आप बात करते हैं किसी भी, अगर एग्जांपल आपको एनालॉग कंप्यूटर का चाहिए, कोई जैसे कि आप वेदर फोरकास्टिंग करते हैं तो वहां पे, या टेम्परेचर मेजरमेंट का काम करते हैं तो टेम्परेचर एकदम से ऐसा नहीं होता कि 5 डिग्री से 12 डिग्री के पास पास चला गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो कंटिन्यूसली वेरी करता है, यानी कि पहले 1 डिग्री इंक्रीज हुआ, देन 2 डिग्री इंक्रीज हुआ, उसके बाद ऐसे ही उसमें इंक्रीमेंट होता जाता है। तो उस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों वो एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। जो आजकल यूज होते हैं दोस्तों वो डिजिटल कंप्यूटर ही यूज होते हैं, क्योंकि इनकी एडवांटेज होती है ओवर द एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में या डिजिटल सिग्नल्स पे बेस्ड होते हैं। पहले डिजिटल कंप्यूटर समझाने से पहले मैं आपको डिजिटल सिग्नल के बारे में बता देता हूं। हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, यानी कि 0 और 1 को समझता है बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन जब 0 और 1 को आप रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, तब आपको ऐसे 0 और 1 नहीं लिखना। तब हम देखते हैं कि सिग्नल हमारा इस पॉइंट को, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 1, ये होता है 0। यहां पर डिजिटल कंप्यूटर में लेवल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहां से यहां तक अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इट मींस ये 0 है। फिर एकदम से यहां तक आ गया ये लेवल,
इसको बोलते हैं वन, वापस जीरो वन जीरो वन। इस तरह से दोस्तों हमारा डिजिटल कंप्यूटर काम करता है, यानी इसको दूसरी लैंग्वेज में आप हाई और इसको लो भी बोलते हैं। तो वन मीन्स हाई, जीरो मीन्स लो। तो इस तरह के सिग्नल पे जो काम करता है कंप्यूटर उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। चलिए दोस्तों अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या डिजिटल कंप्यूटर होता है। अब देखते हैं इसके डिजिटल कंप्यूटर में, तो इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन और जो डेटा होता है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिग्नल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सो इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा और द इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिग्नल्स, और इसको लिख सकते हैं हम डिजिटल सिग्नल। That type of computer is called digital computer. Computer is called digital computer. तो दोस्तों ये जो दो टाइप के कंप्यूटर हमने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज, यानी टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर आपको पता लग गया कैसा होता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं एक टाइप और भी होता है, वैसे तो मेजरली दो ही टाइप होते हैं लेकिन इसके अलावा एक टाइप का और भी होता है। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके इसको इजीली नोट कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड। तो दोस्तों हाइब्रिड का मैं मीनिंग ही बता दूं आपको, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। अब यहां पे वो भुजिया वाला मिक्सचर नहीं होगा, हाइब्रिड का मतलब जो कॉम्बिनेशन है जो एनालॉग कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का। तो जो कंप्यूटर कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का उस कंप्यूटर को बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो द कंप्यूटर of combination of hybrid of analog and digital is called hybrid computer. अब दोस्तों आपको अगर अभी आपने हमने पढ़ा था कि एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पे काम करता है और डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करता है। तो इसका मतलब आप इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहें तो इसके अंदर जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कन्वर्ट होता है डिजिटल में और डिजिटल वापस कन्वर्ट होता है एनालॉग में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ही होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये था दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि डिजिटल का टाइप होगा, क्योंकि आगे हम लोग कॉमनली डिजिटल कंप्यूटर को ही ज्यादा पढ़ते हैं। अब एक चीज, हाइब्रिड कंप्यूटर का अगर एग्जांपल आप देखना चाहे तो आप चाहे घर में लैपटॉप यूज करते हैं या पीसी यूज करते हैं वो एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह एनालॉग कंप्यूटर है और ना ही वो पूरी तरह डिजिटल कंप्यूटर है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं, जब भी आप मोबाइल इंटरनेट या ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो ब्रॉडबैंड की जो वायर होती है वो कॉपर वायर होती है,
वहां से आपके राउटर में कनेक्ट होती है, वहां तक सिग्नल एनालॉग होता है, और एनालॉग को आपका राउटर कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को भेजता है, और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल वापस भेजता है राउटर को, राउटर आगे डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके भेज देता है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों तरह का यूज कर रहा है, तो उस तरह को बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, यानी कि अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में देखेंगे हम डिजिटल कंप्यूटर, तो दोस्तों ये भी चार तरह का होता है। सबसे पहले पे आते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर, सबसे पहला जो होता है दैट इज माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इसी कंप्यूटर को दोस्तों पीसी भी बोला जाता है, पीसी, और पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो किसी पर्सनल या हम खुद ऑन कर सकते हैं, इस टाइप के कंप्यूटर को बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। अब इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, इसके अंदर हम एक माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, सिंगल चिप सीपीयू या ऑन चिप सीपीयू। इट यूजेस अ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर होगा, इसी को हमने जब पढ़ा भी था, मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया था, तब हमने पढ़ा भी था कि एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, अ सीपीयू ऑन अ चिप, एक सिंगल चिप के ऊपर जो सीपीयू होता है उसी को माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। अब हम सेकेंड इसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब हमने पढ़ा कि सिंगल चिप पे ये होता है, और इसके अंदर अगर इसकी कैटेगरी हम देखना चाहें तो इसके अंदर आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों इंक्लूड होते हैं, सो इट इंक्लूड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पीसी, ये दोनों कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों। अब एक चीज और है, इसको आप पीडीए की तरह भी यूज कर सकते हैं, सो इट कैन be used as PDA, PDA, that is personal digital assistant. तो आप इसको personal digital assistant की तरह भी use कर सकते हैं दोस्तों, या tablet की तरह भी use कर सकते हैं। ये सारे के सारे आते हैं हमारे micro computer की category में।